सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एसएमआर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे तेज पाने के। नमस्कार दोस्तों, एसएमआर में आपका स्वागत है। अगर आप एयर राइफल, एयर पिस्टल या वेपन्स के शौकीन हैं या फिर इस तरह के चीज़ों के शौकीन हैं तो आपको टूल्स भी रखने पड़ते हैं। तो अगर आप टूल्स लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ मल्टी टूल। ये एक ऐसा टूल है जिसमें आपको हर तरह के राइफल और पिस्टल के टूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि राइफल और पिस्टल, एयर राइफल जो भी होते हैं इनमें एलंकी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एलंकी होने के कारण हमें एलंकी किट लेना पड़ता है जो लगभग 150-200 रुपये का तापड़िया का आता है। तो ये एक मल्टी टूल है जिसके अंदर एलंकी और पेचकस सब कुछ है। क्या क्या इसके अंदर है चलिए देखते हैं। तो एलंकी के इसके अंदर कई सेट्स हैं जो इसके अलग अलग नंबर हैं, पतले से लेकर मोटे तक अवेलेबल हैं। इसके अंदर 6 एलंकी और 2 स्क्रू ड्राइवर हैं। स्क्रू ड्राइवर जो हैं वो 4 एक्सेस और 2 एक्सेस हैं, साथ में एक और रॉड है। रॉड जो है वो 3 इंच का है। 3 इंच के अंदर हम हुक्स लगा के अलग साइज़ के नट बोल्ट्स को खोल सकते हैं। और अगर हम बैक साइड से ओपन करें तो ओपन करने पे हम पाएंगे इसके अंदर एक रिंच सिस्टम जिसमें 4 अलग साइज़ के रिंच हैं, जो 8 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 नंबर के अलग अलग साइज़ के रेंज अवेलेबल हैं। साथ में पीछे की तरफ एक और हुक है जिसे आप खींचेंगे तो उसमें 3 अलग साइज़ के टी रेंज के क्लिप्स निकलेंगे जिसके अंदर आपको 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर के टूल्स मिल जाएंगे। रही बात इनकी क्वालिटी की, अगर देखी जाए तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से इस पर कोटिंग हुई हुई है, तो उम्मीद करता हूँ इस पर रस्ट नहीं लगेगा। मटेरियल काफ़ी ठीक है। अच्छा, फाइबर की क्वालिटी जो इसका बना हुआ है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर ठीक है इसके हिसाब से। और इसके ऊपर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, डिज़ाइन पैटर्न बनी हुई है। ये डिज़ाइन पैटर्न जो है आपके इस सिस्टम में कितने रिंच हैं, क्या साइज़ है, क्या डिज़ाइन है, नंबर क्या है, वो सारी जानकारी इसके ऊपर प्रिंटेड है। तो आपको पता चल जाएगा इसमें किस साइज़ का क्या अवेलेबल है। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, या हमने इस पर जो पैसे लगाए हैं वो किसी काम के हैं या नहीं है। तो सबसे पहले एयर राइफ़ल लेते हैं। एयर राइफ़ल में चूंकि ज़्यादा एलंकी इस्तेमाल होते हैं और इसमें सिर्फ 6 साइज़ की एलंकी है, तो क्या इसमें जो दिए हुए एलंकीज हैं हमारे एयर राइफ़ल में यूज़ हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले नंबर के एलंकी को टाइट चेक करते हैं तो ये ढीला पड़ा, नहीं लगा। और जो दूसरे नंबर का है अगर उसको हम ट्राई करें तो वो उसके अंदर फिट हो गया, यानी ये इसके अंदर काम कर रहा है। तो पहला हमारा ये तो यूज़ हो सकता है। तो हम फ्रंट साइड की एलंकी को खोल के ट्राई करते हैं। ये खुल रही है, बिल्कुल ये भी खुल जा रही है। तो इसमें जितने भी एलंकी दिए हैं वो काम की हमारे है। अब इसका हम चेक करते हैं हमारी मशीन पे। ये मशीन जो है ये शूटिंग में इस्तेमाल होती है, पुल्ली इसे बोलते हैं, जिससे हम टारगेट को आगे पीछे करके देखते हैं। अच्छी बात ये है कि ये हमारे द्वारा ही बनाई हुई है, एसएमआर का इस पर लोगो भी लगा हुआ है। ये जस्ट अभी मैं बना ही रहा हूँ शूटिंग में इस्तेमाल करने के लिए। इसमें भी काफ़ी पेच होते हैं, इसकी जो पुल्ली है उसके अंदर एलंकी भी लगी है, 4 एक्सेस भी लगे हैं और 2 एक्सेस के स्क्रू ड्राइवर भी लगे हुए हैं। तो इसको हम देखना चाहते हैं क्या ये पूरे प्रोडक्ट जो इसके अंदर दिए हुए हैं वो हमारे काम के हैं या नहीं है। तो एलंकी हमने लगाया, ये ढीला पड़ गया। अगला ट्राई करते हैं कि इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ये लग गया। तो इसका सेंस ये मेरे काम में आ जाएगा। और बाकी को भी हम ट्राई करके देख लेते हैं क्या इसके टूल्स हमारे काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। इसकी कीमत जो लगभग 200 रुपये के अंदर है, तो क्या ये 200 रुपये के हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट है? तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 200 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक तो कॉम्पैक्ट है, मैं अपने जेब में भी लेके इसको चल सकता हूँ, तो ये हमारे काम में बिल्कुल यूज़ हो जाएगा। मैं अभी एक शूटिंग रेंज भी काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे 6 मशीनें लगानी है। वहाँ मैंने 5 मशीनें तो बना ली हैं, एक मशीन और बनाना है। साथ में ये टूल भी मुझे इसीलिए मुझे लेना पड़ा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टूल काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो आपको मन करे शेयर और लाइक करने का, अगर डिसलाइक करने का भी मन करे तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।